ओम शांति। आज 2/6/2024 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा ने 18/1/2000 को सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है ब्रह्मा बाबा समान त्याग तपस्या और सेवा के वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। ब्रह्मा बाबा के समान त्याग तपस्या और सेवा के वाइब्रेशन इस पूरे विश्व में फैलाओ। तो इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज समर्थ हमारा परमात्मा शिव बाबा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस है। 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए थे उन्होंने अपना ये देह छोड़ा था तो उसको हम समर्थ दिवस के रूप में जानते हैं। आज का दिन बच्चों को सर्वशक्तियाँ ट्रांसफ़र में देने का दिवस है। आज के दिन बाबा अपनी सर्वशक्तियाँ बच्चों में ट्रांसफ़र कर गए थे। दुनिया में अनेक प्रकार की बिल्स होती हैं लेकिन ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से जो भी शक्तियाँ उन्हें प्राप्त हुई उन्होंने वो सारी शक्तियाँ हम सब बच्चों को आपस में बाबा ने सबको ट्रांसफ़र कर दी। और आज भी 18 जनवरी के दिन हम जो भी संकल्प लेते हैं बाबा के बच्चे वो सारा हमारे हर चीज़ों के संकल्प पूरे होते हैं। वो शक्तियाँ हमें मिलती हैं। इस ज्ञान मार्ग में अगर हम आगे बढ़ने के लिए जो भी संकल्प लेते हैं वो हमें पूरे होते हैं। तो दुनिया में अनेक प्रकार के बिल हैं लेकिन ब्रह्मा बाबा ने हमें शिव बाबा से जो शक्तियाँ मिली वो दी। ऐसे अलौकिक बिल्स और कोई कर नहीं सकता। ऐसे अलौकिक शक्तियाँ कोई हमको दे नहीं सकता। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साकार में निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को निमित्त भव का वरदान देकर अपनी शक्तियाँ दे दी। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को चुना इस संसार को पवित्र पावन बनाने के लिए और ब्रह्मा बाबा ने हम सब बच्चों को अपनी शक्तियाँ ट्रांसफ़र कर दी जो बाबा से मिली और हम सबको चुना इस संसार को सुख शांति को से भरपूर करने के लिए। ये विल बच्चों में सहज पावर्स की शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स और यह है परमात्म विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स हमारे जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसकी शक्ति और दूसरी है परमात्मा के द्वारा परमात्मा शिव बाबा के द्वारा जो हमें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं उसकी प्राप्ति। ये प्रभु देन है, प्रभु वरदान है। ये प्रभु वरदान हमको चला रहा है। ये सब शक्तियाँ जो हमें मिल रही हैं ये प्रभु की शक्तियाँ हैं, परमात्मा की शक्तियाँ हैं जो हमें चला रही हैं। और इस बिल के कारण आज ये ब्राह्मण परिवार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जो बाबा ने शक्तियाँ ब्रह्मा बाबा को दी और ब्रह्मा बाबा से हम सभी बच्चे बाबा के बच्चे तैयार हुए, हम सभी बाबा के बच्चे बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली बने, उससे आज ये पूरा परिवार जो शक्तियाँ मिली उससे ब्राह्मण परिवार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ब्रह्मा कुमारी का ये परिवार बढ़ता रह रहा है। बच्चों की विशेषता के कारण ये वृद्धि होनी थी और हो रही है। बाबा ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को बहुत दिल से प्यार दे रहे हैं। शिव बाबा की कमाल तो है ही लेकिन बाबा कहते हैं आप बच्चों की भी कमाल कम नहीं है। और उस समय संगठन यूनिटी हम सब एक हैं वे आज भी सेवा को बढ़ा रहा है। जो ब्रह्मा बाबा के समय बच्चे बाबा के जो हमारी दादियाँ थीं वो इतनी उनमें शक्तियाँ थीं, आज भी वो दादियाँ आज भी उन दादियों को देखते हैं। जो भी बाबा के समय के बच्चे थे वो इतने ऐसे संगठन तैयार हुए थे जो आज भी हमें वो पालना दे रहे हैं। निमित्त बनी आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा। तो बाबा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे हैं। बच्चों ने चारों ओर से प्यार की मालाएं पहनाई, बाबा ने बच्चों की कमाल के गुणगान किए। अब ब्रह्मा बाबा का त्याग ड्रामा में विशेष नूंदा हुआ है। ब्रह्मा बाबा का त्याग इस ड्रामा में विशेष रूप से नूंदा हुआ है। आदि से ब्रह्मा बाबा का त्याग और आप बच्चों का भाग्य इस ड्रामा में फिक्स है। सबसे नंबर वन त्याग का एग्जाम्पल पहला ब्रह्मा बाबा बना। जब से शिव बाबा का बना जो हीरे मोती का व्यापारी था उन्हें अपना सब कुछ बिल कर दिया, सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया। उस त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। ब्रह्मा बाबा के पास सब कुछ था फिर भी उन्होंने त्याग किया। समय के अनुसार समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। शुरू से ही देखो तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए भी त्याग किया, शरीर का भी त्याग किया, सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में रहे और बच्चों को जो
जो बाबा के साथ इस रुद्रयान ज्ञान यज्ञ में सहयोगी बच्चे रहे उनको अपने साथ बाबा ने खुद पुराने में रहे और उनको बहुत प्यार दिया, उनको बहुत लाड़ दिया। साधनों का आरंभ हो गया था, होते हुए भी साधना में अटल रहे। भले ही कितने भी साधन थे लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अपनी त्याग तपस्या साधना नहीं छोड़ी। ये ब्रह्मा बाबा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बना कर गई। ड्रामा अनुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा बाबा ही बना। इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बनाया। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। जो ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की उसका फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है, साथ में बच्चे भी हैं, बच्चों की भी तपस्या है, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाबा को ही कहेंगे। जब भी मधुबन जाओ, माउंट आबू जाओ और मधुबन भूमि में जाते हैं तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशन सहज योगी बना देते हैं। योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता है। और कैसी भी आत्माएं आती हैं वह कुछ ना कुछ अनुभव करके ही जाती हैं। जब मधुबन जाते हैं तो स्वतः ही जहाँ भी बैठते हैं देखते हैं बाबा का, ऐसी वो तपस्थली है, ऐसी तपस्या भूमि है कि शिव बाबा से योग लगाना सहज हो जाता है। ऐसी भी लोग होते हैं, ऐसी भी आत्माएं होती हैं जो वहाँ जाती हैं, ज्ञान को नहीं समझते लेकिन अलौकिक प्यार शांति का अनुभव करके ही जाते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके जाते हैं। ये ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव। तो जैसे ब्रह्मा बाबा के त्याग तपस्या सेवा का फल आप सब बच्चों को मिला है, ऐसे ही हर एक बच्चा अपने त्याग तपस्या और सेवा के वाइब्रेशन अब विश्व में फैलाए। अब बाबा की हम सब बच्चों से क्या आशा है, जैसे ब्रह्मा बाबा का त्याग तपस्या सेवा का फल आप सब बच्चों को मिला है, ऐसे ही बाबा चाहते हैं हर एक बच्चा अपने त्याग तपस्या और सेवा के वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है, ऐसे साइंस की भी रचयिता साइलेंस बल है। साइलेंस बल को भी अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। बाबा कहते हैं जैसे साइंस का बल अपना दिखाता है, ऐसे ही साइलेंस का बल, शांति का बल साइंस से भी आगे है। तो साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन और बुद्धि की एकाग्रता। ये एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा वायुमंडल बना सकते हो, हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन नहीं बन पाता। जब एकाग्रता की साइलेंस की शक्ति होती है तो आप जिस भी स्थान पर हो उस स्थान के वाइब्रेशन शांति के बना सकते हो। बाबा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज़्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाएं। बाबा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी सभी बच्चों को ज़्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि हमारे जितने भी भाई बहन इस विश्व में परेशान हैं, दुखी हैं, इन दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाएं। दिल से रहम इमर्ज हो। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है तो इतने सभी ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहम दिल भावना द्वारा संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती। बाबा कहते हैं जब साइंस की शक्ति, एक मिसाइल जब गिरती है तो चारों तरफ कितना हंगामा हो जाता है, कितना हलचल मच जाती है, कितने लोग क्या क्या हो जाता है। तो बाबा कहते हैं आप बाबा के बच्चे जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, आपके साइलेंस की शक्ति क्या इस विश्व को परिवर्तन नहीं कर सकती। जब करना ही है, होना ही है तो इस बात पर अटेंशन दो कि आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हो। अब जब आपको बाबा कहते परिवर्तन होना ही है, करना ही है, तो आप इस बात पर अटेंशन दो आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं। आपके ही सभी ब्रादरी हैं, शाखाएं हैं, परिवार हैं, भले ही किसी धर्म के हों लेकिन ये सब आपके ही ब्रादर हैं, आपके ही भाई हैं, शाखाएं हैं, परिवार हैं। आप ही भक्तों के इष्ट देव हो। ये नशा रहता है कि हम इष्ट देव हैं।
तो भक्त चिल्ला रहे हैं, आप सुन रहे हो, वह पुकार रहे हैं, हे इष्ट देव आप सिर्फ सुन रहे हो, तो उनको रिस्पांस क्यों नहीं देते। अब बाबा आज बच्चों को समझा रहे हैं, बाबा बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपके भक्त इस संसार में कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, कोई किसी से, कोई किसी बात से पीड़ित हैं, दुख में, दर्द में हैं, तो आप उनकी पुकार क्यों नहीं सुन रहे हो, आप बाबा के बच्चे उन्हें सुख शांति के वाइब्रेशंस क्यों नहीं दे रहे हो, उनको रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते। तो बाबा कहते हैं, हे भक्तों की इष्ट देव अभी पुकार सुनो, सभी को सुख के शांति के वाइब्रेशन दो, परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। आज बाबा सभी प्रकार के आदि रत्न और सेवा के आदि रत्न वतन में इमर्ज हुए। फिर बाबा उसके बाद कहते हैं, आज बाबा के सारे बच्चों को बाबा अपने सामने देख रहे थे, जो शुरू के बाबा के साथ थे, जो ब्रह्मा बाबा के साथ के आदि रत्न थे, उन सभी को बाबा देख रहे थे। तो बाबा कहते हैं कि अब किस बात की देर है, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएं तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। अब बाबा कहते हैं, जो हमारे आदि रत्न थे वह कहते हैं, अब जब आप सभी मिलकर, हम सभी मिलकर प्रत्यक्षता का, किस बात की प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाना है, तो बाबा कहते हैं, जब आप प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाओगे तभी इस नई सृष्टि की, सतयुगी सृष्टि की निर्माण होगा। हम तो आवाहन कर रहे हैं नई सृष्टि रचना करने वाले, अभी काम सारा आपके ऊपर है। जो बाबा के समय, ब्रह्मा बाबा के समय के बच्चे हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छे से इस वायुमंडल को पावन बनाने का वो आज भी सेवा कर रहे हैं। अब बाबा कहते हैं, सारा काम आप सब बच्चों के ऊपर है, नगाड़ा बजाओ। किस बात का नगाड़ा बजाओ, क्या संदेश सभी को देना है हमको? तो हमारा संदेश देना है, हम सबको शिव का संदेश देना है, हमारा बाबा आ गया इस धरती को पावन बनाने वाला, इस सृष्टि को सुख और शांति से भरने वाला, इस धरती को पुनः पावन बनाने वाला, सभी के दुख मिटाने वाला हमारा परमात्मा शिव बाबा, निराकार स्वरूप परमात्मा शिव बाबा आ गया, जो कि इस धरती को फिर से पावन बनाने के लिए कार्यरत है। तो बाबा कहते हैं, ये शिव का संदेश आप जन जन तक पहुँचाओ। चाहे आप लोगों को सब देखें या ना देखें, जाने या ना जाने, लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है उतनी दुआएं स्वतः निकलती हैं। बाबा कहते हैं, भल आप कोई भी सेवा करें और सृष्टि को पावन बनाने की, भले ही कोई आपको देखे, कोई आपको जाने ना जाने, लेकिन जब आप सेवा करते हो, चाहे वो मन से वाइब्रेशंस हो, चाहे वाणी के द्वारा हम सेवा करते हैं, चाहे कर्म के द्वारा सेवा करते हैं, बाबा कहते हैं उसकी दुआएं आपको स्वतः मिलती हैं और वह दुआएं पहुँचती बहुत जल्दी हैं। दिल की दुआएं हैं, दिल में जल्दी पहुँचती हैं। तो बाबा कहते हैं, सबसे सहज प्रसाद है, दुआएं दो और दुआएं लो, दुआओं से सब खाता भर जाएगा, भरपूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। जब आप इस संसार को सुख शांति के वाइब्रेशंस देंगे तो बाबा कहते हैं वो दुआएं आपको स्वतः मिलेंगी, और जब आपके पास दुआओं का खजाना इकट्ठा होगा तो माया के विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। जमा का बल मिलेगा, राजी रहो और सर्व को राजी करो, हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। ऐसे नहीं कहो ये तो है ही नाराज़, कभी कभी कहते हैं ना कि ये तो ठीक ही नहीं हो सकते, ये तो बदल ही नहीं सकते। बाबा कहते नहीं, आप स्वयं राज को जान जाओ, आप इस ड्रामा के राज को जान जाओ सबसे प्रथम, कि इस ड्रामा में हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। दूसरा, मैं आत्मा हूँ, मेरे मैं इस परमात्मा की संतान, हम आत्मा आपस में भाई भाई हैं। तो आप स्वयं के राज को जान जाओ, उसकी नब्ज़ को जान जाओ, फिर दुआ की दवा दो। फिर क्या करना है हमें, ये परमात्मा विश्व की हर आत्मा का कल्याण हो, फिर दुआ की दवा दो तो सहज हो जाएगा। दाता के बच्चे हैं ना, कोई दे तो दें, ऐसा नहीं कोई दे तो दें, नहीं, दाता बन के सबको देते जाओ तो आप ही मिलेगा। अच्छा, आज देश विदेश के चारों ओर के बाबा के अति समीप, अति प्यारे और न्यारे बाबा देख रहे हैं, सभी बच्चे लगन में मगन होकर लवलीन स्वरूप में बैठे हैं,
सुन रहे हैं, मिलन के झूले में झूल रहे हैं, दूर नहीं है लेकिन नैनों के सामने भी नहीं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, बहुत से बच्चे बाबा के दूर से सुन रहे हैं, बाबा के सामने नहीं लेकिन बाबा के नैनों में समाए हुए हैं। तो ऐसे सम्मुख मिलन मिलाने वाले अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे सदाशिव बाबा समान त्याग तपस्या और सेवा का सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे, सदा एकाग्रता की शक्ति द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे, सदाशिव बाबा समान तीव्र पुरुषार्थ द्वारा उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाबा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। वरदान है श्वासों श्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग्स प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। जैसे अटेंशन रखते हो याद का लिंक सदा जुटा रहे, जैसे अटेंशन रखते हैं कि बाबा की याद सदा बनी रहे, वैसे ही सेवा का भी अटेंशन रखो, सेवा का लिंक भी सदा जुटा रहे, श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा हो। जैसे श्वासोश्वास याद रहती है, शिव बाबा को याद करने का अटेंशन रखते हो, ऐसे ही श्वासोश्वास सेवा हो। इसको कहते हैं बैलेंस। इस बैलेंस से सदा ब्लेसिंग्स का अनुभव करते रहेंगे और यही आवाज़ दिल से निकलेगी कि आशीर्वाद से पल रहे हैं, मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे, क्यों क्या कैसे इन प्रश्नों से मुक्त होकर सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे, फिर सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। जब बाबा कहते हैं आप याद के साथ साथ सेवा का भी बैलेंस रखोगे, चाहे मन से वाणी से कर्म से, जैसे भी हमें सेवा करनी है, सेवा का भी बैलेंस रखेंगे तो सदा ही आपको दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेंगे, पर इस विश्व की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी, मेहनत से छूट जाएंगे, फिर सफलता जन्म सिद्ध अधिकार आपका अनुभव होगा। स्लोगन है शिव बाबा से इनाम लेना है। अब बाबा से इनाम लेने की विधि बाबा स्लोगन में समझा रहे हैं। अगर बाबा से इनाम लेना है तो क्या करना है, स्वयं से और आपके जो भी साथी हैं, आस आपके जो भी संबंध संपर्क में आने वाले आपके साथी हैं, साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट प्राप्त हो, ना खुद विघ्न में आओ ना ही उनको विघ्न में डालो। तो अगर बाबा से इनाम लेना है, स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। आज की बोली से समान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने त्याग तपस्या से इस विश्व की पालना की, ऐसे ही बाबा आज की मुरली में हम बच्चों से आशा कर रहे हैं हमें भी ब्रह्मा बाबा के समान सुख शांति प्रेम पवित्रता के वाइब्रेशन देकर इस संसार की पालना करनी है और इस सृष्टि पर सतयुगी सृष्टि के पुनर्निर्माण में बाबा के सहयोगी बनना है। अच्छा, ओम।